अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिक दाऊद और आज का खाना मैं बना रहे हैं मगज मसाला या भेजा फ्राई मसाला और गोली मारो भेजे पे। मगर ये जो भेजा बनेगा यकीनन वैसा है जो दिमाग पे गोली लगेगी। इतना मज़े का, इतना टेस्टी और इतना आसान है। तो आएं चल के बनाते हैं मगज मसाला या भेजा फ्राई मसाला। मगर आपसे क्या वादा लेते हुए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड आपको फौरी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आए चल के बनाते हैं मगज मसाला। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काम को शुरू करते हैं। मगज मसाला या भेजा फ्राई मसाला बनाने के लिए पानी पतीले में लेके हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मगज को 2-3 मिनट का ब्लाश देंगे। अंदर तक नहीं उबालेंगे, इतना उबालेंगे कि यहाँ पे और आपको नजर आएगा यहाँ पे जो खून वाली वेन्स हैं, मुझे इसकी सफाई करनी है। बहुत जरूरी है ये प्रोसेस करना सफाई का, ताकि कोई बीमारियों से बचा जा सके। तो इसे पहले बॉईल करके हम इसकी सफाई करेंगे। ये 2 मिनट का ब्लांच, देखें जितनी भी खून वाली नसें थी वो विजिबल हो गई, यानी कि काली काली नजर आ रही है। बस या इस स्टेज पे इसको हम बंद कर देंगे, ठंडा करेंगे, फिर इसकी सफाई करेंगे। चल अच्छी तरह मगज को उबालने के बाद अब जो मेन प्रोसेस है मगज की सफाई का, बहुत जरूरी है। देखिए मैंने मगज को फुल डन नहीं किया था, सिर्फ ये किया कि हम इसकी सफाई कर सके। यहाँ आपको ये स्किन नजर आ रही है, ये स्किन को आपको पकड़ के थोड़ा सा खींचना है तो आपको वेन्स भी निकल जाएंगी। मगर इसकी असल जो है सफाई, यहाँ हम इसकी जब कटिंग करते हैं तो ये नसें निकलना शुरू होती हैं, इसको काटना है। बाजार में क्या होता है ये देखें, पूरी ये देखें नसें, ये पूरे छल्ले निकलेंगे। और बाजार में इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे स्ट्रीट फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है कच्चा मगज डाल दिया जाता है, कोई वेन को सफाई नहीं की जाती। यहाँ मैं इसकी बहुत इसकी रग यानी कि अंदर अंदर से भी इसको काटता जाऊंगा और अंदर से भी नसें निकलेंगी। ये देखें खुलता चला जाएगा, ये नजर आ रहा है आपको, ये सारा नुकसानदेह भी है, हीक भी आती है। और हम चूंकि घर में रहते हुए करेंगे तो हम कर सकते हैं, मजबूरी है, बाहर हमें खाना पड़ता है। यहाँ बहुत इत्मीनान से इसकी नसें अच्छी तरह निकाल लूंगा, यहाँ जितनी हद्दुल इम्कान कोशिश मेरी है। और अगर ये खुल भी जाता है कोई बात नहीं, मगर आपका काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हर तरीके से यहाँ इसको मगज को जब हम यहाँ से खोलते हैं तो यहाँ पे भी ये सारी वेन्स जो है ये देखें, मगज सही साफ करने का तरीका यही है। इसके टुकड़े कर लें तो टुकड़े करने से भी आपका काम आसान हो जाता है। यहाँ मैं इसके हर कोने में जाके ये देखें सही किस्म का हम भेजा फ्राई या मगज मसाला बनाएंगे, जहाँ हम रेस्टोरेंट्स पे देखते हैं कि कितना ज्यादा महंगा दिया जाता है। यहाँ पे हाथों में पकड़ के भी आप देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जैसे आप इसके पीस करेंगे, ये देखें पीस करेंगे तो यहाँ आपको साथ साथ ये रगे निकलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ आप इसके पीस करते चले जाएं और रगों को निकाल लें। तो ये मैंने जो है इसके पीसीस कर करके बिल्कुल इसको खोल के यहाँ देखें, आपको कहीं रग नजर आएगी, रग निकल के सारी नसें निकल गई हैं और बहुत प्योर साफ सुथरा हमारा मगज तैयार है। अब हम इसका बनाएंगे जबरदस्त सा मगज मसाला। यहाँ पे इसकी सफाई हो गई, आए मगज मसाला बना लेते हैं। चले मगज की सफाई के बाद तवा लगा दिया, तवे पे बेहतरीन बनता है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून एक बड़े गाय के मगज के लिए मैंने घी लिया था, देसी घी ले लिया है। आप अपना नॉर्मल घी तेल सब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे आम कटाकट वगैरह में नहीं डलता। यहाँ मेरे पास बहुत बारीक फाइन चॉप की हुई प्याज है, ये प्याज जो है वो एक प्याज काट ली थी, प्याज गेज के अंदर बहुत बारीक फाइन कटिंग में जो है प्याज को काटें। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मेरा तो दिल करता है कि मैं सारी शेयर कर दूँ, मगर ये है कि सीधा सीधा रेसिपीज ये मैं आपसे जो मगज मसाले या भेजा फ्राई मसाला बना रहा हूँ, यहाँ मैं प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह मैं प्याज नहीं भी इस्तेमाल करता, और सिर्फ अगर मज़ा लेना है मगज का, मगर ये है कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा ख्याल ये भी आता है कि फैमिली जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उनको कम पड़ जाता है सालन, तो इसलिए प्याज से थोड़ी सी बरकत हो जाती है। थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स में एक बेमानी होती है कि अंडा भी तोड़ के शामिल कर दिया जाता है,
जिससे मगज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि हाफ मगज़ और हाफ अंडा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्याज को गलाना वलाना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। यहाँ पे शामिल कर देंगे एक टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया था, ताकि एक मसाला फॉर्म करने के बाद ही हम अपना आगे का प्रोसीजर बढ़ाएंगे। यहाँ पे इसको लगाते हैं एक ढक्कन, थोड़ी सी भाप दे देते हैं, हल्का सा एक दो मिनट का भाप दिया, ताकि मेरे जो है वो टमाटर वगैरह अच्छी तरह से नरम हो जाए। यहाँ पे प्याज भी आपको नजर आ रही, टमाटर ने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया। यहाँ अब क्या करेंगे, थोड़ा सा तरीका कढ़ाई में, पतीली में, फ्राई पैन में, किसी में भी बनाएं, ये तरीका कर लें कि ये एक अगर आप मिक्सर बना लेते हैं तो टाइम पे आपको मगज़ मसाला बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं चूँकि इसको अभी मगज़ मेरे बिल्कुल कच्चे थे, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगा मगज़ को, और क्योंकि मगज़ को भी मुझे थोड़ी सी भाप देनी है। यहाँ पे शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मगज़ को भाप मिले और मगज़ हमारे पक जाए। एक ढक्कन फिर लगाएंगे और उसका वेट करेंगे। ये 5-5 मिनट के सारे ढक्कन हैं, 5 मिनट के अंदर ये डन हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा और दम देने के बाद ये देखें, बेहतरीन तरीन हमारा मगज़ भी अब ये क्या है, पहले हम इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। ये कूटने के बाद अब साथ ही मसाले शामिल कर देंगे, आसान तरीन रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चला गया नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारा जाएगा पिसा गरम मसाला, साई काट भी चलेगा जरूर देखें, और यहाँ पे हमारा जो है वो 1/2 टीस्पून ही जीरा पाउडर चला गया। आसान आसान रेसिपी है, इसको अब मसाले के साथ फ्राई करेंगे। भेजा फ्राई या मगज़ मसाला फ्राई इसी को कहते हैं, कटाकटमा होता है। थोड़ा सा हम साथ साथ पकाते भी जाएंगे, हमारे मगज़ अभी थोड़े से कच्चे थे और ये जो है वो जब पकेंगे, मेरा ख्याल है घी, मुझे लग रहा है कि जो मैंने 3 टेबल स्पून घी दिया था वो थोड़ा सा कम है, चाहें तो इस स्टेज पर बढ़ा लें, क्योंकि मगज़ जो है वो थोड़ा सा पकड़ रहा है पैन को। यहाँ थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून जितना हम ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें ज़बरदस्त सा मैंने इसको कुटाई भी की है, और थोड़ा सा जो है वो चंक्स भी रखे हैं, थोड़ा सा चंक्स जो है वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे और इसे मज़ीद पकाना है, शामिल कर दूँगा यहाँ पे 2 अदद मैंने हरी मिर्चों को स्प्लिट करके रख दिया था, और इसको जो है वो भी साथ में कूट लेंगे। इतनी कोई शानदार खुशबू आ रही है मिर्चें शामिल करने से, ये होगा कि हम इसको मज़ीद कूट लेंगे, और यहाँ पे शामिल कर देंगे थोड़ा सा अदरक भी इसी के अंदर, और शामिल कर देंगे हमारी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पानी में भिगो दें, मिट्टी निकाला करें इसकी। ये देखें ये बेहतरीन सी खुशबू पूरे घर में, बकरीद का तो एक इफेक्ट आ ही रहा है, आ रहा है, मुझे लग रहा है किसी स्ट्रीट पे खड़े होके हम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, बारकअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से ही काम अच्छा हो जाता है और चीज़ इतनी अच्छी बन के निकलती है कि यकीन माने रेस्टोरेंट का मज़ा, और जो हम कढ़ाई हाउस में जाते हैं या कटाकटा हाउस में जाते हैं जो मज़ा वहाँ होता है, यही मज़ा यहाँ पे भी है। बेहतरीन सा हमारा काम हो गया। थोड़ी सी यहाँ पे अदरक के बाद हमने शामिल कर दिया अपना हरा धनिया, हरी मिर्च, और काम हो गया डन, क्योंकि मासूम सा मगज़ हमारा, मगज़ मसाला या भेजा फ्राई मसाला रेडी हो गया। आपने जो है इसको बनाना है मगज़ को, और एक जो मेरी शिकायत है, जो छोटा सा मैसेज है कि मैंने देखा है कि बकरीद के दिनों में सीरियाँ जो है वो रोडों पर पड़ी होती हैं और बहुत बेहरमती होती हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो किसी को दे दिया करें। हमारी रेसिपी आज की रेडी हो गई, हमारा मगज़ मसाला बकरीद स्पेशल में। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे,
चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। आए प्रेजेंट करते हैं हमारा बकाया स्पेशल मगज मसाला।